नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के डिब्बों पर लिखे नंबरों के बारे में। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। बता दें कि हम सभी ट्रेनों में कभी न कभी सफर जरूर किए हैं या फिर करने वाले हैं। हम सभी ने ट्रेनों में सीट बुक जरूर करवाया होगा, लेकिन हमें रेलवे से यात्रा को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं है। ऐसे में आज हम आपको सफ़र के दौरान ट्रेन के डिब्बे के ऊपर लिखे हुए 4, 5 या फिर 6 अंक के नंबर के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। आपके भी दिमाग में कभी ना कभी यह बात जरूर आया होगा कि यह नंबर क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए आगे हम आपको इस वीडियो में उसी नंबर के बारे में बताने वाले हैं। ट्रेन कोच पर लिखे नंबरों को अगर हम देखें तो लगभग ट्रेनों के बोगियों में 5 नंबर होते हैं। इन अंकों के अलग अलग मतलब होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं शुरुआती 2 अंक के बारे में। शुरुआती 2 अंक यह बताते हैं कि यह कोच किस साल में बना है। जैसे कि ट्रेन का कोच नंबर जो है 92322 लिखा हुआ है, तो इससे पहले के जो 2 अंक हुआ उसका मतलब हुआ कि यह कोच जो है साल 1992 में बना हुआ है। हमने पहले ही देखा कि इसका जो शुरुआती 2 नंबर है वो है 92। इस हिसाब से इसके साल की गणना होगी और यह कोच जो बना होगा 1992 का बना होगा। मान लिया जाए अगर किसी कोच के पहले 0236 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि यह कोच जो है 2002 में बना हुआ था। ऐसे में हमने जाना कि ट्रेन के कोच में लिखे पहले 2 नंबर के बारे में। आइए अब जान लेते हैं आगे के 3 नंबर के बारे में, यानी कि उसके बाद जो 3 नंबर है उसका क्या मतलब होता है। अब हम बाकी के 3 नंबर के बारे में जानेंगे। बाकी के 3 नंबर यह बताते हैं कि यह कोच की स्थिति क्या है, मतलब कि यह कोच किस सुविधा से युक्त है, मतलब कि कोच AC 1 टीयर का है या फिर 2 टीयर का है या फिर यह सेकेंड क्लास का है। अब हम एक उदाहरण से इसे समझेंगे। मान लिया जाए कि किसी भी कोच पर लिखा हुआ है कि 92322। इससे पहले 2 अंक का मतलब हमने समझ लिया। 92 का मतलब हमने समझा था कि यह कोच के साल को दर्शाता है, यानी कि किस साल में यह कोच बना हुआ है। अब हम बाकी बचे 3 अंक के बारे में जानेंगे। इसमें बाकी बचा हुआ जो नंबर था वो 322 बचा हुआ है। यह कोच सेकेंड क्लास स्लीपर है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि आखिर यह कोच सेकेंड क्लास स्लीपर कैसे है। तो आइए हम आखिरी में 3 अंक का मतलब समझते हैं। अगर किसी कोच के आखिरी में 3 अंक 001 या फिर 025 तक हो तो समझिए कि यह AC प्रथम श्रेणी का कोच है। अगर 026, 050 यानी कि 26 से लेकर 50 तक का अगर अंक हो तो समझिए कि यह AC+2 टीयर की कोच है। अगर कोई भी नंबर यानी कि आखिरी का जो 3 नंबर है वह 051 से लेकर 100 तक है तो समझिए कि AC2 टीयर का यह कोच है। अगर 101 से लेकर 150 तक का अगर कोई अंक लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि AC3 टीयर का यह कोच है। उसके बाद अगर 151 से लेकर 200 तक का अगर नंबर लिखा हुआ है तो समझिए कि यह जो है चेयर कार, AC चेयर कार का यह कोच है। उसके बाद 201 से लेकर 400 तक का अगर कोच वहां पे दिखता है तो आप समझ लीजिए कि यह द्वितीय श्रेणी का स्लीपर क्लास है। 401 से लेकर 600 तक का अगर वहां पे नंबर दिखता है तो ये समझिए कि सामान्य श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का जो है यह कोच है। इसके बाद जो है 601 से लेकर 700 तक अगर जो अंक वहां पे दिखता है तो समझिए कि द्वितीय श्रेणी का सीटिंग यान है, जिसमें कि जनशताब्दी का चेयर कार भी इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद 701 से लेकर 800 तक का जो अगर अंक आपको दिखता है तो यह सामान ढुलाई के लिए लगने वाले कोच। इसके बाद जो नंबर आएगा वो है 800+ का। अगर 800+ का लिखा हुआ कोच आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि यह पेंट्री कार है, PPU मेल कोच है, जनरेटर कार इसके तहत हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि कोच पर लिखे रहने वाले नंबर की स्थिति क्या है। वह कोच का पोजीशन दर्शाता है कि इसके तहत जो है आने वाले जो कोच हैं वो स्लीपर हैं, AC है या फिर चेयर यान है। तो वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो शुरुआती जो अंक जो 2 अंक हैं वो बताते हैं कि यह कोच जो है कौन से साल में बना है, और बाकी के जो 3 अंक हैं वो बताते हैं कि यह कोच स्लीपर है, AC है, AC में भी 1 टीयर है, 2 टीयर है। तो इस तरह से हमने जाना कि किसी भी कोच में जो है अगर 5 अंक लिखा हुआ है तो उसके शुरुआती 2 अंक और 3 अंक क्या बताते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।